क्या हम वाकई में किसी के ब्रेन में वास कर रहे हैं? कोई ऐसा प्राणी जो काफी एडवांस्ड है, ईश्वर जैसा? जरा हमारे ब्रह्मांड पर एक नजर डालें। ये किसी प्राणी की ब्रेन सेल से कितना मिलता जुलता है? हम सोच सकते हैं कि ये सब एक डेड मैटर्स है, लेकिन क्या हो अगर हम गलत हैं? जरा सोच कर देखिए कि अगर आप अपने शरीर में एक छोटे से सेल होते और आपके शरीर को एंटायर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज तक मैग्नीफाई किया जाए, अंदर आप प्रोटीन सिंथेसिस और जीन रेप्लिकेशन जैसी काउंटलेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस देखेंगे जो सभी फिजिक्स के लॉस को फॉलो करती हैं, ये जाने बिना कि आप एक जीवित जीव का हिस्सा हैं, और ये सब आपको लाइफलेस लगेगा। इसलिए ये सोचना गलत नहीं होगा कि हमारा यूनिवर्स वास्तव में किसी का माइंड हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ हमारा दिमाग का वहम है जो हमें ऐसे पैटर्न्स देखने के लिए ट्रिक करता है जो वास्तव में मौजूद नहीं है, और ये महज एक रिजेंबलेंस है। आखिरकार ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं जबकि इनके बीच के स्केल में भारी अंतर है? लेकिन मैं कहूं क्या होगा अगर ब्रेन में न्यूरॉन्स के नेटवर्क और यूनिवर्स में गैलेक्सीज के जाल के बीच विजुअल सिमिलैरिटीज के अलावा एक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ये कंपैरिजन कर सकें कि वे वास्तव में कितने सिमिलर हैं। खैर, ये कोई फैंसी इमेजिनेशन नहीं है बल्कि ये कुछ कैपेबल साइंटिस्ट द्वारा पब्लिश्ड एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक डिस्कवरी है। इस वीडियो में हम इस विचार का पता लगाएंगे कि गैलेक्सीज एक वास्ट न्यूरल नेटवर्क बना सकती है। हम साइंटिफिक थ्योरीज पर गहराई से विचार करेंगे जो सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड न केवल जीवित हो सकता है बल्कि सेंटिएंट भी हो सकता है। हमारे चारों ओर जीवित ब्रह्मांड के बारे में सच्चाई उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। ह्यूमन ब्रेन लिटरली यूनिवर्स में नोन सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में से एक है, जो स्वयं सभी कॉम्प्लेक्सिटीज में से सबसे बड़ी है। हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ऐसे सेल्स जो सेंसेस से इनपुट प्रोसेस करती हैं और नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके शरीर को सिग्नल्स भेजती हैं। न्यूरॉन्स भी नेटवर्क से जुड़े होते हैं, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स नामक कनेक्शन के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। न्यूरल नेटवर्क बनाने वाले न्यूरॉन्स के बीच लगभग 100 ट्रिलियन कनेक्शंस होते हैं। वहीं यूनिवर्स भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। हम यूजुअली इमेजिन करते हैं कि स्पेस बिल्कुल खाली है जिसमें चीजें बहुत दूर तक फैली हुई है, लेकिन मामला पूरी तरह से अलग है। जिस यूनिवर्स को हम अपने साइंटिफिक इक्विपमेंट से देखते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, जिसका डायमीटर लगभग 90 बिलियन लाइट ईयर्स है और इसमें सैकड़ों बिलियन से लेकर कुछ ट्रिलियन गैलेक्सीज शामिल हैं। ये गैलेक्सीज हमारी मिल्की वे की तरह बिलियंस ऑफ स्टार्स का कलेक्शन एक गैलेक्सी क्लस्टर में ग्रुप्ड हैं। हमारी मिल्की वे लोकल ग्रुप का हिस्सा है जिसमें पड़ोसी एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम गैलेक्सीज के साथ साथ 50 अन्य गैलेक्सीज शामिल हैं। वे गैलेक्सीज वर्गो सुपर क्लस्टर नामक एक लार्जर ग्रुप का पार्ट है। ग्रुप्स और क्लस्टर्स के बीच का स्पेस खाली नहीं है बल्कि ये ऑर्डिनरी और डार्क मैटर दोनों के फिलामेंट्स को जोड़ता है जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। इस तरह यूनिवर्स को गैलेक्सी क्लस्टर के एक विशाल नेटवर्क के रूप में सोचा जा सकता है जो ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क के समान ही आपस में जुड़े हुए हैं। उस नेटवर्क को कॉस्मिक वेब कहा जाता है। बोलोनिया यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वाजा और वेरोना यूनिवर्सिटी के न्यूरोसर्जन अल्बर्टो फेलेटी ने नेचर में दो सबसे चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बीच परसीव्ड विजुअल सिमिलैरिटीज से परे क्वांटिफाइबल सिमिलैरिटीज को इन्वेस्टिगेट किया, गैलेक्सीज का कॉस्मिक नेटवर्क और ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स के बीच। दोनों फील्ड्स की टेक्निक्स और टूल्स को यूज करते हुए वाजा और फेलेटी ने इन दोनों नेटवर्क्स को देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि कुछ सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज सामने आईं। उनका एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल था। उन्होंने 3 बेसिक पैरामीटर्स पर ब्रेन और यूनिवर्स के बीच सिमिलैरिटीज की जांच की। वो 3 पैरामीटर्स थे अपीयरेंस, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। रिसर्चर्स ने ह्यूमन कॉर्टेक्स के 4 माइक्रोमीटर थिक स्लाइस को यूज किया जो ब्रेन की आउटर लेयर जो लैंग्वेज, सेंसरी इंफॉर्मेशन, थॉट, मेमोरी और कॉन्शियसनेस को प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनकी कंपैरिजन यूनिवर्स के 25 मेगापार्सेक के एक थिक स्लाइस से की गई जो 1 मिलियन क्यूबिक मेगापार्सेक स्पेस के कंप्यूटर सिमुलेटेड वॉल्यूम से ली गई थी। यहां मैं आपको बता दूं, 1 पार्सेक लगभग 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। ब्रेन और यूनिवर्स के स्लाइसेस थिकनेस में रिलेटिवली कंपेरेबल हैं।
गिवन दैट कि दोनों साइज में एक दूसरे से 27 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में डिफरेंट हैं। पहले तो जब वो इस स्केल पर स्लाइस को एग्जामिन कर रहे थे, उन्हें स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटीज नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने ब्रेन टिश्यू को 40x मैग्नीफाई किया, तब उन्हें स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज दिखाई देने लगी। 40x मैग्नीफिकेशन ब्रेन में 0.01 से 1.6 mm और यूनिवर्स में 1 से 100 मेगापार्सेक्स के स्केल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ न्यूरल नेटवर्क गैलेक्सी क्लस्टर्स की तरह दिखाई देती है। इसके अलावा नेटवर्क्स की सिमिलैरिटीज को दो टेक्निक्स को यूज करके ऑब्जेक्टिवली मेजर और कंपेयर की जा सकती है। पहला नेटवर्क डिग्री सेंट्रलिटी है, जो किसी दिए गए नेटवर्क में नेटवर्क कनेक्शंस की लेंथ और कनेक्टिविटी की डिग्री को मेजर करता है। न्यूक्लियस या न्यूरॉन का केंद्र रेडियस में कनेक्टिंग एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स की लेंथ से बहुत छोटा होता है। सिमिलरली गैलेक्सी क्लस्टर कनेक्टिंग फिलामेंट्स की लेंथ की तुलना में रेडियस में बहुत छोटे होते हैं। दोनों नेटवर्क्स को ऑब्जेक्टिवली कंपेयर करने की दूसरा मेथड क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट है, जो ईच कनेक्शन नोड यानी न्यूरॉन या गैलेक्सी क्लस्टर से सटे अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है और उस स्ट्रक्चर की तुलना नेटवर्क के भीतर एक रैंडम पॉइंट से करती है। ये कंपैरिजन दोनों नेटवर्क्स में ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस रैंडमनेस को हाईलाइट करती है। इन स्केल्स पर टेक्निक्स को लागू करते हुए वास और फेलेटी ने ब्रेन और यूनिवर्स दोनों के बीच रिमार्केबल सिमिलरिटीज पाई। उन्होंने ये भी पाया कि ट्री ब्रांचेस, क्लाउड फॉर्मेशन की डायनामिक्स या वाटर टर्बुलेंस सहित अन्य बायोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर्स की तुलना में नेटवर्क एक दूसरे के समान थे। ये अन्य स्ट्रक्चर्स फ्रैक्टल इन नेचर हैं। फ्रैक्टल पैटर्न्स दरअसल सेल्फ रिपीटिंग होते हैं और एक जैसे दिखते हैं, चाहे आप उन्हें किसी भी स्केल पर देखें। इसके विपरीत यूनिवर्स लार्जर स्केल की तुलना में स्मॉलर स्केल पर पूरी तरह से अलग दिखता है। गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम्स उनके द्वारा बनाए गए कॉस्मिक वेब से मिलते जुलते नहीं हैं। इसी प्रकार डिफरेंट स्केल्स पर देखने पर ब्रेन न्यूरल नेटवर्क जैसा नहीं दिखता। स्केल स्वयं इन स्ट्रक्चर्स के क्रिएशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि वे खुद को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि भले ही ब्रेन और यूनिवर्स आकार में वास्टली डिफरेंट हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे ग्रेविटी और बायोलॉजी द्वारा निर्मित हैं, फिर भी उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर हैं। इससे पता चलता है कि उनके डिफरेंसेस के बावजूद किसी चीज के कारण दोनों एक ही तरह से इवॉल्व और ग्रो हुए होंगे। रिसर्चर्स ने ब्रेन और कॉस्मिक वेब के बीच दो और इंटरेस्टिंग सिमिलरिटीज देखी। पहला था कॉम्पोजिशन का रेशियो। ब्रेन 77% पानी है, जबकि इसी तरह कॉस्मिक वेब लगभग 73% डार्क एनर्जी है। पानी और डार्क एनर्जी स्वयं नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्हें पैसिव मटेरियल या पैसिव एनर्जी माना जाता है। पैसिव मटेरियल या एनर्जी की प्रेजेंस और रेशियो इन नेटवर्क्स के निर्माण के लिए रेलेवेंट हो सकता है। दूसरी फैसिनेटिंग सिमिलरिटी ये है कि सिमुलेटेड यूनिवर्स मॉडल्स को मैपिंग के लिए रिक्वायर्ड कंप्यूटर डेटा की अमाउंट ह्यूमन ब्रेन की थियोरेटिकल मेमोरी स्टोरेज लिमिट्स के बराबर है, जो कि 1 से 10 पेटाबाइट के बीच डेटा को उन स्केल्स पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एवोल्यूशन को सिमुलेट करने की आवश्यकता होती है, जहां कॉस्मिक वेब स्पष्ट हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी का अनुमान लगभग 2.5 पेटाबाइट्स है, तब एक मानव थियोरेटिकली ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की स्ट्रक्चर का एक अच्छा हिस्सा अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकता है। दोनों नेटवर्क्स के बीच स्केल्स में एक सब्सटेंशियल डिफरेंस यानी 27 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बावजूद उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कॉस्मोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के चौराहे पर बैठता है, ये सजेस्ट करता है कि डाइवर्स फिजिकल प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्सिटी और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के सिमिलर लेवल्स की विशेषता वाली स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर सकती है। ह्यूमन ब्रेन अपने वाइड न्यूरल नेटवर्क के कारण फंक्शन करता है, जिसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। दूसरी ओर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कम से कम 100 बिलियन गैलेक्सीज के कॉस्मिक वेब से बना है। दोनों सिस्टम्स के अंदर उनके मास का केवल 30% गैलेक्सीज और न्यूरॉन्स से बना है। दोनों सिस्टम्स के अंदर गैलेक्सीज और न्यूरॉन्स खुद को लॉन्ग फिलामेंट्स या फिलामेंट्स के बीच नोड्स में अरेंज करते हैं। फाइनली दोनों सिस्टम्स के अंदर मास या एनर्जी का 70% डिस्ट्रीब्यूशन स्पष्ट रूप से पैसिव रोल निभाने वाले कंपोनेंट से बना है, ब्रेन में पानी और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में डार्क एनर्जी। वाजा और फेलेटी को उम्मीद है कि उनका रिसर्च ब्रेन और यूनिवर्स के बीच और भी अधिक सिमिलरिटीज खोजने के लिए मोर पावरफुल एल्गोरिथम्स के डेवलपमेंट को प्रेरित करेगा। शायद हम उन कंडीशंस के बारे में जानेंगे जिनके कारण
पूरी तरह से अलग अलग प्रक्रियाओं से पैदा हुए दो नेटवर्क एक दूसरे से इतने करीब से मिलते जुलते हैं। जैसे ही हम इन डिस्कवरीज के इम्प्लीकेशंस पर विचार करते हैं, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स के भीतर हमारे स्थान के बारे में गहन प्रश्न उठते हैं। क्या ब्रह्मांड वाकई एक सेंटियंट एंटिटी हो सकता है जिसकी कॉन्शियसनेस स्पेस टाइम के फैब्रिक में बुनी हुई है? क्या रियलिटी के बारे में हमारी धारणाएं कॉस्मिक इंटेलिजेंस की एक झलक मात्र हो सकती है? क्या हम सचमुच एक विशाल मस्तिष्क के अंदर रहते हैं? इसका एसेंशियली मतलब ये होगा कि टाइप 5 सिविलाइजेशन जो पूरे मल्टीवर्स को कवर करती है पहले से ही मौजूद है। हालांकि ऐसी स्पेकुलेशंस दूर की कौड़ी लग सकती है, लेकिन वे हमें अपने होराइजन से बाहर और यूनिवर्स और एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती है, और कुछ वैज्ञानिक ब्रह्मांड की ऐसी संरचना पर विचार करने से डरते नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि वाकई में हमारा यूनिवर्स किसी एडवांस बीइंग का ब्रेन है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन बताएं, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।